बोड़िया मेरे साथ तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि हाय वाय कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे अभी 10 बजने वाला है, अभी तक डाला नहीं, और सिर्फ आपकी वजह से नहीं डाला है क्योंकि रात भर परेशान कर दिया है मेरे को, तो बोला मैं रुक रही हूँ, अपन बातें करेंगे, अपन YouTube प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, प्लीज प्लीज आई विल वेट फॉर दैट। हाँ ये है स्ट्रेटजी असली, प्रसाद महाकाल का, इसमें प्रसाद में कुछ है नहीं भाई, नॉर्मल प्रसाद है, लक्की नहीं अंशु फेमस है, लक्की तो ये टाइम पास है, ये एक बात तो है, तारी भोजाइया ठीक बात को नहीं कर रही है, तन्वी लेन जा रही है, अच्छा ऐसा हो गया करेगी, मैं तो क्या बहू ने भोजाई क्या नहीं मन ठाक नहीं है, हाँ तो तारी बहू यार, तारी बहू बहू कवर भी कॉपी कर ले हुए, हाँ बहू गोपी बहू, हाँ सीरियल आता है गोपी बहू तो लैपटॉप दो देती है, ये वही गोपी बहू है, मेरे लैपटॉप से कम 2 किलोमीटर दूर रहना तुमको, तो ये मम्मी भी जा रही है, ये हट रहे, तो ये मम्मी भी जा रही है और ये सब लोग भी वापस जा रहे हैं, चलो टाटा बाय बाय। पता नहीं कैसे 30 दिन तक चलाएंगे अपन इसको कंटिन्यू, लेकिन कोशिश करेंगे और मम्मी वगैरह सब जा चुके हैं सुबह सुबह, मैं नहा धो के एकदम रेडी, और आज ऑल्दो संडे है और त्योहारों की वजह से इतने दिन से संडेज ही बन रहे हैं, लेकिन आज अब थोड़े बचे हुए सारे काम निपटाने पड़ेंगे, तो अभी उसी पे चलते हैं, चल चल जल्दी चल, लेट हो गया चल, सबसे पहले तो सिटी जाना पड़ेगा, ये देखो कल के व्लॉग में जो मैं डिशुम की बातें कर रहा था ना, वो इस वजह से हुई थी, ये यहाँ और ये यहाँ, इन दोनों जगह पे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं, गाड़ी ठुक चुकी थी, और जिस वजह से ये सब हुआ है मैं अभी आपको बताऊंगा, एक दो ब्लॉग रुक जाओ क्योंकि वो मैं पहले पूछ लूँ पापा से कि डालू कि नहीं डालू पर चलो मैंने डाल दिया, और पापा भाई साहब मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे, फिर अच्छा ही लगता ना, फिर लक्की जल्दी कर यार, करी तो बच्चा भाई तो लेट लेट करता फालतू का सारा ठूंगा टूटा, इस हेलमेट का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे कि मैं या तो फोन या फिर गोप्रो यहाँ लगा सकूँ, कृष्णा बोलता हूँ उसका इस मामले में बहुत बढ़िया दिमाग चलता है, तो उसको बोलूंगा ठीक है, यहाँ पे या तो गोप्रो या फोन सेट करना, फोन तो नहीं गोप्रो ही सेट करना है, तो कृष्णा कर देना, अब क्या है भाई या तो गोप्रो हो या फोन, अभी तो फोन हाथ में पकड़ रखा है, लेकिन गोप्रो हो तो क्या है कि यहाँ पे व्लॉग आराम से कर सकता हूँ मैं गाड़ी पे लगा के, अब हेलमेट पे लगा दो और बढ़िया व्लॉग करो, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाहर निकलो तो कॉन्टेंट ही कॉन्टेंट होना, अभी तो फोन तो नहीं भाई, फोन तो नहीं भाई, सिटी के अंदर सब कुछ खाली पड़ा है बिल्कुल एकदम, सब दुकानें बंद और फुल शांति, देखो एकदम खाली, इतने टाइम से मतलब 2 दिन दिवाली के उसके बाद तब से मतलब ये लाइटें चल रही है यहाँ पे, तुम लोग को बोला था ना मैंने आके बंद करके जाना, बोला था ना मैंने, बोला था मैं बड़ा हूँ बात मान ले मेरी बात मान, हाँ गुड बॉय, अब से जो मैं बोलूं वो हाँ में हाँ मिलानी है, और जो मैं जोक मारूं उस पे हंस देना है, ध्यान रख लेना बड़ा हूँ हंस देना, हंस हंस के दिखा बस ऐसे ही ठीक है सेम, अभी इंस्टाग्राम पे किसी की रील देखी जो भैया बहुत शानदार डांस कर रहा था, मतलब नेक्स्ट लेवल, अगर तुमने शादी की वीडियोस देखी तो ये भाई भी है ना बहुत नेक्स्ट लेवल डांस करता है, लेकिन ये भाई साहब करते नहीं है, इसको मैं पिछले 2 सालों से कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे अपलोड कर लॉकडाउन में भी बोला था, तुम सुनते नहीं हो ना, तुम्हारे को कोई तमीज तो है नहीं, सुनो फेमस हो जाओ, रील सीती चल रही है, हो जाओ भाई अकाउंट बना और नाच नाच, चल भाई चल खड़ा हो सा, बंद कर दे सब, बंद कर दे लाइट वाइट सब बंद कर दे, ये भाई जी आ चुके हैं या कल जा रहे हैं भैया, मैं यही था तेरे घर पे आ जाऊंगा लेकिन फिर तू था ही नहीं, ऐसे नशे करोगे ना रात भर तो यही होगा, आंखें लाल होगी तुम्हारी, अब तू हॉस्टल जा रहा है, अब तू और नशे करेगा और सोएगा, तू मेरा ब्लॉग देख रहा है पक्का, तू नहीं देखेगा ना बेटा मैं तेरे को बर्खास्त कर दूंगा मेरे जीवन से, देख रहा हूँ मैं आधे अधूरे पूरे पूरे देख, आधे अधूरे नहीं वॉच टाइम दे मेरे को, चला के छोड़ दिया, इस ब्लॉग में कुछ होना नहीं वाला है लेकिन फिर भी हम डालेंगे 30 दिन तक कंटिन्यू डालेंगे बिना रुकावट, कुछ भी हो जाए तुम्हारा ठीक होता है यार, तुम यहाँ आते हो त्योहारों पे मोटे हो जाते हो और वहाँ जाके बढ़िया पतले हो जाते हो, मेहनत वेहनत कुछ नहीं करनी होती, खाने को नहीं मिलता तुमको, मेहनत तो करनी नहीं है, मेहनत क्या करनी है तुमको, 8 बजे उठना है सब वो अलग बात है, लेकिन 8 बजे उठना है, 8:30 की क्लास अटेंड करनी है, 10 बजे आके वापस हो जाना,
मैं तो जाऊंगा, नहीं हो पाते भाई, मैं तो जाऊंगा। ठंडा पानी आता है, नहाया नहीं जाता है। अभी वादियों में रहता है, कितना 3-4 डिग्री हो जाता है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर, बर्फ पड़ती है। तू मेरे को ये खिला रहा है क्या जाने से पहले? छोटा छोटा वाला रबड़ी वाला गेयर खिला दे। तो मैं तेरा दोस्त हूँ, छोटा वाला रबड़ी वाला गेयर ले ले यार, छोटा वाला रबड़ी वाला। कोई बात नहीं, तू छोटा वाला रबड़ी वाला गेयर खिला दे आज। हाँ मैं बोल रहा हूँ तेरी तरफ से, निशान जा रहा है वापस, तो इसलिए ये मेरे को है ना रबड़ी वाला गेवर खिलाते हुए जा रहा है। ऐसा हो रहा है, अरे टीका इसलिए क्योंकि कल दीदी आई थी घर पे, तब मैं था नहीं, भूपेंद्र भैया के साथ गया था, आज मैं उनके यहाँ पे जाके टीका लगवा के आया हूँ भाई, जरूरी हो गया था फिर। अरे धर्म वर्म भ्रष्ट हो जाता है ना, इसलिए फिर करना पड़ता है ये सब। ठीक है, दुआओं में याद रखना, चन्ना मेरे यहाँ मेरे यहाँ। भाई मैं जोक्स बहुत अच्छे मारता हूँ भाई, उससे पूछ। मैंने जोक मारा अच्छा, हंस के दिखा, हंस 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 हंस, एक बात दिया। चलो भाई ध्यान से भाई, हैप्पी जर्नी। तू देहरादून में हमको रुकने करने का इंतजाम करा दे, हम तो आ जाएंगे। करा भाई, कोशिश कर, दिल में इच्छा होगी तो, जैसे तू दोस्तों के लेके जा रहा है वैसे हमारे लिए भी कराएगा, तो इज्जत रखेगा, इच्छा रखेगा। तो ये हमारा ऑफिस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे काम का होगा, ज्वेलरी का भी काम हो जाएगा और ये भी काम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से लाइट बहुत अच्छी आती है। और ये जो जगह है यहाँ पे बनेगा, पापा का तो ऐसा कहना है कि स्टूडियो बनाएंगे। अब पापा ऐसे चाह रहे थे कि भाई तू अगर यूट्यूब को सीरियसली लेना चाहता है अगर, तो तू अपना स्टूडियो बना ले यहाँ पे, ठीक है। तू मैंने कहा मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मैं चलते फिरते कहीं भी बना सकता हूँ, लेकिन वो बोले तू कोशिश कर कुछ ऐसा कर, और नहीं तो तेरा ऑफिस बना लेगा। इन दोनों को लगा दिया था काम पे, इसने तो कुछ किया नहीं, तूने तो किया ही होगा, खैर तू तो करता है, तू तो कुछ भी नहीं करता। तो भाई अभी आ चुका हूँ घर, और अभी बहुत ज्यादा थकान हो रही है और नींद आ रही है, थकान नहीं हो रही, नींद आ रही है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये डेली व्लॉग करने की बहुत डिसिप्लिन सिखा रहा है अब मेरे को, औकात दिखा रहा है ये मेरे को, क्योंकि 30 दिन तक अगर कंटिन्यू व्लॉग डालना है तो भाई बहुत डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ आई कैन रियली पुल दिस ऑफ, लेकिन अब जो है चौथा व्लॉग तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। और इस व्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, इवन कंसिस्टेंसी भी अच्छी लगे, तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कंटेंट बनाना सीख रहे हैं, डेली व्लॉग में आपको कंटेंट आता नहीं है, आपको बनाना पड़ता है, तो अब वो सीख रहे हैं, तो वो कैसे होगा तो देखते हैं आगे वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, पीस।